रात चीफ सेक्रेटरी के साथ जो कुछ हुआ है वो सामने लाया जाए कि उससे किस तरह साइन करवाए गए हैं, कौन उसके पास गया था साइन करवाने के लिए, किसने चीफ सेक्रेटरी के साथ क्या किया है, ये सामने लाया जाए। अवाम को पता चले कि उनके वोटों को किस तरह से उसके तकद्दस को पमाल किया जाता है, मजरू किया जाता है। क्या आप समझते हैं, अगर आपने इस मुल्क में अमनियत रखनी है तो बिस्मिल्लाह ऐलान करें कि मुल्क अमनियत की तरफ जा रहा है। अगर आपने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत रखनी है तो फिर जमहूरी इख्तदार की आपको कदर करना पड़ेगी, आइन के आगे आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप अपने आप को आइन के आगे सरेंडर नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप आइन से बालातर हैं। मेरा सवाल है कि क्या अपोजिशन इस हद तक चली गई, इनको अवाम के हालात का नहीं पता। 7 माह पहले क्या हुआ कि जमहूरी हुकूमत को नोटों की चमक के साथ फॉरेन एजेंडे के तहत उस हुकूमत को घर भेज दिया गया। आज मुल्क के अंदर इंतजार है, धमाके हो रहे हैं, महंगाई जोरों पर है, फैक्ट्रियां बंद हैं, बेरोजगारी अरूज पे है, गरीब आदमी खुदकशी पे मजबूर है। मेरा वफाकी हुकूमत से सवाल है कि 7 माह पहले जो महंगाई थी उससे आज 100 गुना महंगाई ज्यादा है।